सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल ऑटो गीक ग्रुप पर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और एक्साइटिंग कार, एक स्मार्ट एसयूवी या कॉम्पैक्ट एसयूवी के बीच की एक कार है। तो ये फुली लोडेड है स्मार्ट फीचर्स से, जो आपके ड्राइविंग एक्सपीरियंस एंड कार यूजिबिलिटी के एक्सपीरियंस को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगी, काफ़ी ईजी बना देगी। तो आज हमारे साथ है एमजी की हेक्टर एंड आज के व्लॉग में इसी के ऊपर पूरी बात करेंगे, क्या क्या फीचर्स है, एक डिटेल वॉक अराउंड दूंगा, साथ ही साथ इसके एक ड्राइव पे लेके चलूंगा एंड एंड में बात करेंगे कंक्लूजन की कि किसको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। इन शॉर्ट एक डिटेल्ड रिव्यू आपको मैं इसका दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग एमजी हेक्टर के साथ। सो दिस इज द एमजी हेक्टर इन फ्रंट ऑफ मी एंड अब बारी है इसका एक डिटेल वॉक अराउंड आपको देने की। सो सबसे पहले लुक्स की बात कर लेता हूँ। लुक्स के मामले में बहुत ही ज़बरदस्त ही आपको लगेगी, एक काइंड ऑफ अर्बन प्रीमियम लुक आपको देगी। स्पेशली जो इसका फ्रंट फेस है वो बहुत ही अग्रेसिव लुक देता है एंड यही इसको हेडटर्नर बनाता है। एंड यहाँ पे आपको फ्रंट में DRLs ऑफर किए गए हैं कुछ इस तरीके से एंड यही DRLs इंडिकेटर्स का काम भी करते हैं। एंड एज यू कैन सी यहाँ पे क्रोम का ट्रीटमेंट इसके नीचे दिया गया है एंड इसमें बहुत सारी जगहों पे क्रोम का यूज़ आपको मिलेगा। एंड ठीक उसके नीचे यहाँ पे मेन हेडलैम्प्स का सेटअप दिया गया जिसमें आपको दो प्रोजेक्टर लैम्प्स मिलते हैं एंड उसके सराउंड में भी आपको क्रोम का ट्रीटमेंट देखने को मिल जाएगा। देन कमिंग टू द फ्रंट ग्रिल, यहाँ पे आपको बहुत बोल्ड बहुत बड़ी सी फ्रंट ग्रिल मिलेगी जिसके सराउंड भी आपको क्रोम का ट्रीटमेंट मिलेगा। एंड यस यहाँ पे आपको एमजी का एक बड़ा सा लोगो देखने को मिल जाएगा। उस ठीक उसके नीचे आपको एक फ्रंट कैमरा दिया गया, दैट मीन 360 कैमरा व्यूज में है एंड यहाँ पे भी क्रोम के टचेस दे रखे हैं। सी सो कमिंग टू द साइड ऑफ द कार, साइड से भी अपनी लुक्स को बिल्कुल जस्टिफाई करती है, बिल्कुल प्रोपोर्शनेट डिज़ाइन है, कहीं से भी आपको कुछ ऑड नहीं लगेगा या कुछ ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत बड़ी है कुछ बहुत छोटी है। एंड कमिंग टू द व्हील्स, यहाँ पे आपको 18 इंचेस के एलॉय व्हील्स मिल जाएंगे जिसमें आपको डिस्क ब्रेक मिल जाएगी एंड ये सिर्फ फ्रंट व्हील में ही नहीं, आपको सारे व्हील्स में डिस्क ब्रेक मिलती है। लेट मी शो यू, सी रियर व्हील में भी आपको डिस्क ब्रेक मिल जाएगी। सो दैट इज़ रियली गुड, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सही चीज़ ही मुझे इसमें लगी। एंड सी यहाँ पे आपको क्रोम का ट्रीटमेंट दिया गया है, ये पूरा सी पिलर तक एक्सटेंड होता है सी कुछ इस तरीके से, तो ये कहीं ना कहीं इसको प्रीमियम फील ज़रूर देता है। एंड ऊपर आपको रूफ रेल्स मिल जाएंगी एंड एक चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी पर्सनली, जो इसके ग्लासेज है ना, जो इसके विंडोज़ हैं वो काफ़ी बड़े हैं साइज़ में, तो अंदर बैठ के ना आपको बहुत अच्छा सा लाइवली सा लगेगा, कहीं भी बंद बंद सा फील नहीं होने वाला। सो कमिंग टू द साइड ओआरवीएम्स, सो ये जस्ट नॉर्मल साइड ओआरवीएम्स नहीं है, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल तो है ही, बट ये हीटेड ओआरवीएम्स है, दैट मींस फॉग वगैरह के सीजन में आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। एंड टर्न इंडिकेटर इसमें दिए गए एंड यस यहाँ पे आपको एक और कैमरा दिया गया अगेन 360 कैमरा व्यू के लिए। सो कमिंग टू द रियर ऑफ द कार, रियर में आती आती है थोड़ी आपको स्पोर्टी फील होगी, जो इसकी लुक है ओवरऑल काफ़ी स्पोर्टी है रियर से, इंक्लूडिंग जो बम्पर्स वगैरह का स्टाइल दे रखा है। एंड यहाँ पे आपको LED टेल लैम्प्स मिलेंगे जो काफ़ी बड़े से साइज में आपको लगेंगे, यहाँ पे इंटरनेट इनसाइड की बैजिंग मिल जाएगी, दैट मींस इसमें इनबिल्ट इंटरनेट की कनेक्टिविटी दी गई है फॉर वेरियस एप्लीकेशंस, वो मैं आपको अंदर जाके बताऊंगा। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको एक क्रोम ट्रीटमेंट ऑन टेलगेट मिलेगा, एमजी का बड़ा सा लोगो आपको मिल जाएगा एंड नीचे बम्पर में आपको सिल्वर ट्रीटमेंट दिया गया जो काफ़ी स्पोर्टी बनाता है, स्पेशली जो इसके डुअल एग्जॉस्ट डिज़ाइन है। सी एक्चुअल एग्जॉस्ट लेफ्ट में बट राइट में डमी आपको दे रखा है स्पोर्टी लुक बनाने के लिए। सो अब बारी है कार के अंदर जाने की, बट अंदर जाने से पहले आपको इसकी की दिखा देता हूँ। सो सिंपल ब्लैक मैट ब्लैक में एमजी लोगो के साथ की मिल जाएगी जिसमें आपको अनलॉक का बटन मिल जाएगा, लॉक का बटन मिल जाएगा एंड एक बूट ओपनिंग का बटन मिल जाएगा। अब सी इसमें बूट खोलने के वेरियस वेज हैं, एक तो आप इसको दबा के रखोगे तो बूट अपने आप ओपन हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल बूट इलेक्ट्रिक टेलगेट इसमें दिया गया एंड इसको आप प्रेस करके रखोगे सी तो ये अपने आप क्लोज भी हो जाएगी। सो दैट इज़ रियली अमेजिंग एंड स्मार्ट फीचर एंड एक प्रीमियम फीचर भी आप बोल सकते हैं। एंड यस आप यहाँ से डायरेक्टली तो टेलगेट खोल ही सकते हैं, आपको जस्ट प्रेस करना है वो अपने आप ओपन हो जाएगा। तो ये था सेकेंड वे बूट ओपन करने का एंड यहाँ से आप बटन प्रेस करोगे तो वो क्लोज भी हो जाएगी। तो एंड यस इसमें आप बूट को ना मल्टीपल लेवल्स में सेट कर सकते हो कि कितनी खुलनी चाहिए, वो मैं अंदर चल के आपको बताऊंगा। तो यहाँ से मैंने प्रेस करा, अब ये ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिकली बंद हो जाएगी। सी अब तीसरा वे क्या है आपके हाथ में, इमेजिन करिए आप शॉपिंग करके आए हैं, बहुत सारा सामान है, आपको सिंपली स्वाइप करना है अपना पैर
एंड सी कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगी। एंड मैंने बूट खोल ही लिए तो मैं आपको अंदर दिखा देता हूँ। इसमें आपको 587 लीटर का बूट स्पेस मिल जाएगा। और एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगी, जो इसके नीचे जो वेरियस टूल्स वगैरह रखने के लिए काफ़ी नीट एंड प्लान्ड तरीके से जगह दे रखी है, तो काफ़ी अच्छी ये फील देता है। एंड यहाँ पे आपको जो रियल पार्सल ट्रे आप बोल सकते हैं, फोल्डेबल रोलेबल मैं बोलूँ तो आपको मिल जाएगी कुछ। तो आप डोर्स किस तरीके से खोलते हैं यूजुअली अपनी कार से? की से खोलते हैं ना। अब इसमें उसका भी एक स्मार्ट वे है, की को मैंने अंदर रख लिया पॉकेट में, ठीक है, मैं बिल्कुल टच नहीं कर रहा, ऐसे मैंने पॉकेट में डाल लिए। एंड मैं अब सिंपली कार के पास जाऊँगा, सी कार अपने आप अनलॉक हो जाएगी। सो ये है ना एक मैजिकल स्मार्ट फीचर, तो ये है इसको स्मार्ट बनाने वाला फीचर जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था। एंड अब बात करें डोर्स की, तो यहाँ पे आपको बेज और ब्लैक डुअल टोन में डोर्स मिल जाएंगे। यहाँ पे सॉफ्ट टच फिनिश आपको मिल जाएगी, ठीक है, यहाँ पे आपको ब्लैक हार्ड प्लास्टिक फिनिश मिलेगी यहाँ पे भी। एंड यहाँ पे ग्लॉसी ब्लैक ट्रीटमेंट दिया गया है। एंड जो ये हैंडल है ये क्रोम काइंड ऑफ सैटिन सिल्वर में मिलेगा, काफ़ी सॉलिड लगता है। यहाँ पे आपको पावर विंडोज़ के सारे कंट्रोल्स मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे बहुत सारा आपको प्रैक्टिकल स्पेस मिलेगा डोर पॉकेट्स में, सी मतलब एक बहुत अच्छा खासा स्पेस है। यहाँ पे इन्फिनिटी का स्पीकर मिलेगा, ऊपर आपको ट्विटर की प्लेसमेंट दी गई है। एंड कमिंग टू द सीट्स, सो सीट्स आर रियली कम्फर्टेबल, कोई कंप्लेंट सीट से नहीं है। एंड ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स हैं, यहाँ पे सारे कंट्रोल्स आपको मिलेंगे, वेंटिलेटेड सीट्स हैं। एंड कमिंग टू द इंटीरियर्स, तो डैशबोर्ड भी आपको डुअल टोन फिनिश में मिल जाएगा। एंड बहुत टेकी सा आपको इसका इंटीरियर मिलेगा, कुछ ज़्यादा स्विचेस वगैरह नहीं है, बहुत टेकी सा है। एंड यहाँ पे आपको साइड ओआरवीएम्स के सारे कंट्रोल्स मिल जाएंगे, यू कैन इलेक्ट्रिकली फोल्ड एडजस्ट एवरीथिंग। एंड यहाँ पे आपको हेडलाइट लेवलर का नॉब मिल जाएगा, यहाँ पे जो आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की लाइटिंग वगैरह उसकी ब्राइटनेस आप कंट्रोल कर सकते हैं। एंड The another way of opening the boot, आप यहाँ से भी boot open and close कर सकते हैं। See, यहाँ से आपको जो simply से press करना है and boot will open है, बहुत ही comfortable, convenient है। And यहीं से आप close भी कर सकते हैं। See, I'll press it again and here it is. And here you will get soft touch finish. यहाँ भी आपको सॉफ्ट टच फिनिश मिलेगी और यहाँ भी सॉफ्ट टच फिनिश मिलेगी और यहाँ भी सॉफ्ट टच मिलेगा। एंड बट यहाँ पे आपको हार्ड प्लास्टिक का यूज़ मिल जाएगा। कमिंग टू द स्टीयरिंग व्हील, स्टीयरिंग व्हील आपको थोड़ा बड़ा लग सकता है साइज़ में, तो बट लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील है। एंड यहाँ सेंटर में जो इसका हॉर्न पैड है, तो सी इसका ओवरऑल लुक भी आपको थोड़ा बड़ा लग सकता है। एंड लेफ्ट साइड में आपको सारे क्रूज कंट्रोल और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के सारे कंट्रोल्स मिल जाएंगे। एंड ऑन द राइट साइड यहाँ पे आपको सारे मीडिया रिलेटेड कंट्रोल्स मिल जाएंगे। मैं आपको स्टीयरिंग व्हील की एडजस्टमेंट्स भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको टिल्ट कंट्रोल तो मिलता ही है, साथ में साथ टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट भी मिल जाती है स्टीयरिंग की, सो दैट इज़ गुड। एंड कमिंग टू द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। मैं कार स्विच ऑन करके दिखाता हूँ, यहाँ से कार आप ऑन करोगे तो सी कुछ इस तरीके की एनिमेशन या कुछ इस तरीके से इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑन होता है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में स्पीडोमीटर आपको मिल जाएगा, राइट साइड में आपको आरपीएम मीटर मिल जाएगा, एंड सेंटर में आपको एक एमआईडी मिलेगी जो वेरियस इन्फॉर्मेशन शो करते हैं, यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। सी अभी यहाँ पे ट्रिप इन्फॉर्मेशन और कितनी चली है एवरेज वगैरह वो शो करता है। जैसे आप प्रेस करेंगे अगेन यहाँ से, तो यहाँ पे अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास आएगी, ड्राइविंग टाइम, रेंज कितनी है, उसके बाद टायर प्रेशर भी आपको यहाँ दिखता है। स्पेशल चीज़ ये है कि प्रेशर के साथ साथ यहाँ पे हर टायर का इंडिविजुअल टेम्परेचर भी दिखता है, दैट इज़ रियली गुड। एंड एक चीज़ जो मुझे थोड़ी सी लगी कि इम्प्रूव हो सकती थी, इसमें ना एक ही ट्रिप दे रखा है, यूजुअली कार में दो होते हैं, ट्रिप ए ट्रिप बी, जिसमें आप दो अलग अलग जगहों के बीच का डिस्टेंस देख सकते हैं, बट इसमें एक ही है, तो ये थोड़ा सा मुझे लगा। एंड यहाँ पे ना एक वार्निंग मैसेजेस वगैरह भी आप देख सकते हैं, जो कार के वे वार्निंग्स वगैरह आती है, साथ ही साथ एक फैटिक ड्राइविंग का ऑप्शन भी है। इसमें क्या है, इसको आप जब सिलेक्ट करेंगे ना, तो आप यहाँ से जब इसको ओपन करेंगे तो इसमें आप ड्राइविंग टाइम सेट कर सकते हैं कि कितने टाइम बाद कार आपको अलर्ट करे कि टेक रेस्ट या समथिंग लाइक दैट। तो दिस इज़ रियली अमेजिंग इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी। एंड उसके बाद आपको यहाँ मीडिया रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी दिखेगी जब आप कुछ सॉन्ग वगैरह प्ले करोगे। एंड यहाँ पे फ़ोन अगर आपको कनेक्टेड होगा तो सारी कॉल्स वगैरह इन्फॉर्मेशन दिखेगी। एंड यहाँ पे आपको नेविगेशन की डिटेल्स भी मिल जाएंगी जब आप नेविगेशन यूज़ करोगे। तो कमिंग टू द सेंटर कंसोल, तो यही वो एरिया जो आपको थोड़ा फ्यूचरिस्टिक सा कार में लगेगा, बिकॉज यहाँ पे एक बड़ी सी आपको 10.2 इंचेस की टच स्क्रीन मिल जाती है जो काफ़ी कुछ कंट्रोल करती है कार में। यहाँ पे आपको एप्पल कारप्ले मिल जाता है, एंड्रॉयड ऑटो मिल जाता है, गाना ऐप भी मिल जाती है, यस इंटरनेट इनसाइट जो मैंने दिखाया था,
इनबिल्ट इंटरनेट की वजह से आप ऐसी ऐप्स इसमें यूज़ कर सकते हैं। हालांकि आई एम नॉट श्योर कि जो गाना ऐप है कितने टाइम के लिए फ्री मिलती है। आई थिंक एक साल का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है, उसके बाद आपको लेना पड़ेगा। तो आप गाना ऐप ये सब यूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको टायर प्रेशर का ऑप्शन दिख रहा है, सेम इन्फॉर्मेशन जो वहाँ दिखाई थी सेम आपको यहाँ दिखेगी। एंड उसके बाद 360 का आपको एक ऑप्शन मिल रहा है, इसमें आपको सारा 360 व्यू मिलता है कार का। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीपल व्यूज़ है, यहाँ पे आप लेफ्ट साइड ORVMs का भी व्यू देख रहे हैं। आप स्विच कर सकते हैं, इसको प्रेस करोगे तो राइट साइड का व्यू आ जाएगा, दैट इज़ गुड। यहाँ पे पूरा ऊपर का बर्ड आई व्यू देखने को मिल जाएगा। ऊपर आपको फ्रंट और रियर व्यू आप स्विच कर सकते हैं दोनों कैमरास के बीच में। चीज़ अच्छी है, काम अच्छा करती है, बट जो कैमरे की क्वालिटी है ना वो थोड़ी और इम्प्रूव हो सकती थी आई थिंक। हालांकि काम चल जाएगा आपका अभी भी, बट थोड़ी इम्प्रूव होनी चाहिए थी। एंड उसके बाद आपको कुछ सेटिंग्स में दिखा देता हूँ, आई थिंक जो आपको थोड़े काम की सेटिंग्स इसमें है। वाईफाई आप कनेक्ट कर सकते हैं, आप यहाँ से ब्लूटूथ वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं। इक्वलाइज़र आपको दिया गया है, सब कुछ आप इंडिविजुअली सेट कर सकते हैं इक्वलाइज़र में। स्पीकर की पोजीशनिंग वगैरह सेट कर सकते हैं आप यहाँ पे, दैट इज़ गुड। यहाँ पे वॉल्यूम वगैरह की सेटिंग्स मिलेगी, यहाँ पे डिस्प्ले ब्राइटनेस थीम्स वगैरह आप सेट कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ पे डेट एंड टाइम वगैरह आप सेट कर सकते हैं। व्हीकल सेटिंग्स में आपको मल्टीपल सेटिंग्स मिलती हैं। कार लॉक में डोर आप अनलॉक करोगे तो सारे एक साथ खुले, या सिर्फ ड्राइवर का खुले वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। एंड जो मैंने आपको दिखाया था कि कार के दूर जाते ही कार अपने आप क्लोज हो जाएगी और पास आते ही अपने आप कार अनलॉक हो जाएगी, तो वो आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। देन यहाँ पे आप टेल गेट ओपन पोजीशन सेट कर सकते हैं। वो क्या चीज़ है, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑटो टेल गेट मतलब इलेक्ट्रिक टेल गेट, ये सब आप यहाँ से कंट्रोल करेंगे। और पोजीशन आप टेल गेट की सेट कर सकते हैं कि टेल गेट कितनी खुलनी चाहिए। येस दैट इज़ गुड। मैं अभी 2 पे सेट कर देता हूँ एंड मैं अब आपको ओपन करके दिखाता हूँ। सी यहाँ से मैंने ओपन की, अब टेल गेट ना पूरा नहीं खुलेगा देखना, सी यहीं जाके रुक गया, तो ये एक अच्छी चीज़ है। एंड उसके बाद यहाँ पे मूड लाइटिंग जो इसकी USP मुझे लगी, मल्टीपल कलर्स आपको यहाँ दिखते हैं मूड लाइटिंग में। एंड आप रैंडम मोड में ना कुछ ऐसा मिलेगा सी, कुछ इंटरवल्स के बाद अपने आप चेंज होती जाएंगी लाइट्स। एंड सिर्फ यहीं पर नहीं है ये आपको ना चारों डोर्स पे मिलेगी, और रात को ना ये पूरा पार्टी मूड सा बना देती है, तो बहुत अच्छा लगता है ये। तो ये मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगी इसमें। एंड ये आपको कॉन्स्टेंट मोड भी मिल जाता है, जिसमें आपको एक कलर चूज़ करके उसको कॉन्स्टेंट रख सकते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे AC के सारे कंट्रोल्स मिल जाएंगे, तो AC के सब कंट्रोल्स आपको टच स्क्रीन में ही मिलेंगे, कोई फिजिकल बटन आपको नहीं मिलेगा AC में। तो ये पर्सनली मुझे मतलब फिजिकल बटन ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि टच स्क्रीन ना कहीं ड्राइविंग के टाइम में ध्यान डाइवर्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ नीचे आपको एक USB पोर्ट मिल जाएगा, यहाँ वायरलेस मोबाइल चार्जिंग का ऑप्शन मिलेगा, एक USB पोर्ट यहाँ है, दूसरा USB पोर्ट आपको यहाँ मिलेगा थोड़ा साइड में कुछ इस तरीके से। साइड में आपको सीट वेंटिलेशन का बटन मिलेगा पैसेंजर का, ड्राइवर का सीट वेंटिलेशन आपको इस साइड में मिल जाएगा। CVT गियर बॉक्स है, तो गियर लीवर आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। काम कैसे करता है ड्राइविंग के टाइम में बताऊंगा। यहाँ पे इको मोड आपको मिल जाता है एंड कप होल्डर्स विद मूड लाइटिंग। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिल जाती है, इंजन ऑटो स्टार्ट स्टॉप का बटन आपको यहाँ मिल जाएगा। एंड उसके बाद यहाँ पे फ्रंट पार्किंग सेंसर्स ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे 360 व्यू का अगेन फिजिकल बटन दे रखा है आपको। दैट्स ऑल। सो दिस इज़ हाउ द सेंटर कंसोल लुक्स। एंड यस यहाँ पे आपको एक बहुत ही अच्छी पैडेड आर्मरेस्ट मिलेगी, जिसकी स्पेस काफ़ी अच्छी है, मतलब वाकई में काफ़ी अच्छी स्पेस है। एंड कूल्ड ये सेंटर आर्मरेस्ट आपको मिल जाएगी, तो ये एक अच्छी चीज़ है। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको जो रियर व्यू मिरर है ऑटो डिमिंग में मिलेगा। यहाँ पे सन वाइजर में आपको वैनिटी मिरर वैनिटी लैम्प मिलेगा, पैसेंजर साइड में भी आपको वैनिटी मिरर वैनिटी लैम्प मिल जाएगा। यहाँ पे कैबिन लैम्प्स LED में मिलेंगे, दैट इज़ गुड। एंड अब सनरूफ के कंट्रोल्स मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें ना 3 बटन है सनरूफ के, सी एक ये रहा, तो एक से आप शेड को आगे पीछे कर सकते हैं। सी यहाँ से मैंने दबाया तो शेड पीछे हो गया, आप ये आगे लाने के लिए मतलब जहाँ पे आप टच करोगे ना वहाँ ये रुक जाएगा, तो ये अच्छी चीज़ है, अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। एंड इस सेंटर वाले से आप सनरूफ को खोल सकते हैं, तो इसमें भी वही चीज़ है, आप जहाँ पे रोकना चाहो आप उसे रोक सकते हो। हालांकि पूरी पैनोरामिक सनरूफ है, दैट इज़ गुड।
रियर सीट्स की मैं बात करूं तो अगेन काफ़ी कंफर्टेबल है, 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको इसमें दे रखे है। एंड एक चीज़ जो सबसे अच्छी है रिक्लाइन, या आप इसको रिक्लाइन कर सकते हैं एक और स्टेप आगे, मतलब 2 स्टेप रिक्लाइन का ऑप्शन इसमें मिलता है। एंड जो एक अच्छी चीज़ और है, पूरा फ्लोर फ्लैट है एकदम, तो ये आपको स्पेस वाइज एक अच्छी फील ज़रूर देगी। एंड मैं कार के अंदर हूँ, ठीक है, लेग रूम वगैरह की कोई कमी नहीं है, बहुत स्पेशियस फील आपको ये देती है। अंडर थाई सपोर्ट भी रियर सीट का काफ़ी अच्छा है, कोई कंप्लेंट नहीं है, बहुत कंफर्टेबल है। यहाँ पे आपको रियर एसी वेंट्स मिलेंगे, नीचे आपको एक यूएसबी पोर्ट मिलेगा रियर में चार्जिंग वगैरह के लिए, एंड उसके नीचे आपको स्पेस मिलेगा, फ़ोन वगैरह रख सकते हैं आप यहाँ पे। एंड उसके बाद मैं दिखाऊँ सीट, साथ में जो स्पेस है 3 लोग आराम से इसमें बैठ सकते हैं, मेरे अकॉर्डिंग कोई कमी नहीं होगी। यहाँ पे आपको सेंटर में आर्मरेस्ट मिलेगी जो काफ़ी वाइड है, एंड पैडेड अच्छी है, 2 कप होल्डर्स इसमें आपको मिल जाएंगे, तो ये काफ़ी कंफर्ट का पूरा ध्यान है इसमें। एंड पीछे से पैनोरामिक सनरूफ कुछ इस तरीके से लगेगी। सो अब टाइम है कार को चलाने का, ड्राइव पे लेके जाने का, और आपको बताने का कैसी है ये कार चलने में। सो नाउ आई एम इनसाइड द MG Hector एंड अब स्टार्ट करते हैं इसकी ड्राइव। सो सबसे पहले जब आप कार स्टार्ट करेंगे तो ये पार्किंग मोड पे ऑब्वियसली होगी, एंड जब आप इसे पार्किंग से डी पे करोगे दैट इज़ ड्राइव मोड, तो जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है वो पार्किंग मोड पे डालते ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाती है, तो सबसे पहले उसको आप डीएक्टिवेट करोगे। एंड उसके बाद जैसे ही आप ब्रेक छोड़ोगे तो कार धीरे धीरे अपने आप क्रॉल करना स्टार्ट करेगी। सो बात कर लेते हैं अपने रिव्यू के पहले सेगमेंट की, दैट इज़ परफॉर्मेंस। एंड परफॉर्मेंस में सबसे पहले मैं बात करूँगा इंजन एंड गियर शिफ्टिंग ओवरऑल एक परफॉर्मेंस की। तो सबसे पहले कुछ टेक्निकल इसकी स्पेसिफिकेशंस मैं आपको बता देता हूँ। जो कार मैं अभी चला रहा हूँ वो उसमें 1500cc पेट्रोल टर्बोचार्ज इंजन है जो कि प्रोड्यूस करता है 143 BHP की पावर एंड 250 Nm का मैक्सिमम टॉर्क। तो और ये CVT है, इसमें 8-speed CVT गियरबॉक्स है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो जितनी बड़ी कार ये है, जितना बड़ा इसका साइज़ है, तो उतनी चलाने में ये मुश्किल या हैवी फील नहीं होती। एक तो इसमें पेट्रोल इंजन है, जो ये मैं चला रहा हूँ ये पेट्रोल वेरिएंट है, तो एक तो वो वैसे ही लाइट होता है। उसके बाद जो एक्सेलरेशन जो पिकअप है ना वो काफ़ी लाइट है, आपको ऐसा कुछ फील नहीं होगा कि आप एक इतनी बड़ी गाड़ी खींच रहे हो, तो ये एक अच्छी चीज़ है। हालांकि हेक्टर में पहले DCT गियरबॉक्स भी आता है, तो अब इसमें CVT एड ऑन किया गया। जो CVT का गियरबॉक्स होता है ना उसमें बाकी DCT वगैरह AMT की तरह गियर्स अलग अलग नहीं होते हैं, ये CVT जो बेस्ड है वो एक पुली और बेल्ट सिस्टम पे काम करता है। तो मैं आपको एक बार प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। अब मैं धीरे धीरे ग्रेजुअली पिकअप लूंगा, सो जब आप कार जीरो से उठाते हैं ना तो कहीं भी आपको ऐसा लैग वगैरह बिल्कुल नहीं लगेगा जो मैंने बताया। एंड कार की पिकअप काफ़ी स्मूथ है, इसमें एक इंस्टेंट आप कह सकते हैं रिस्पॉन्स आपको मिलेगा एक्सेलरेशन का। सी कार मेरी अब आराम से 80 टच कर गई है, अब नाउ इट इज़ ऑन 100 से ऊपर जा चुकी है आराम से, कोई इसमें आपको एफर्ट नहीं लगा, एफर्टलेसली ये 0 to 100 सॉफ्ट एक्सेलरेशन से चली जाती है सी। एंड अगर मैं और दिखाऊं अभी अराउंड 120 चल रही है और बहुत आराम से चल रही है, इसमें कोई भी किसी भी तरीके का पावर लॉस मुझे बिल्कुल फील नहीं हुआ। तो अगर आप ऐसे सॉफ्ट एक्सेलरेशन से भी कार चलाओगे तो कोई आपको इशू नहीं मिलने वाला। एंड जो ट्रांसमिशन का काम है वो बहुत अच्छे से आपको रिफाइंड एक मैं बोलूँ वो मिलेगा, कोई तरीके कि कहीं भी किसी तरीके का लैग या पावर लॉस कुछ आपको फील नहीं होने वाला। एंड अब उसके बाद में अगर बात करूँ स्टेयरिंग की परफॉर्मेंस की, तो इसका स्टेयरिंग काफ़ी लाइट है, तो आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप आराम से एक हाथ से भी कार ड्राइव कर सकते हो। कंट्रोल अच्छा है, शार्प टर्न्स पे भी अच्छी कंट्रोल बनाए रखता है स्टीयरिंग, बट जो क्रिस्प होता है ना स्टीयरिंग में, कि आप हल्का सा भी ऐसे ऐसे कर रहे हो तो कार भी साथ में ऐसे ऐसे एकदम से हो रही है, तो वो एक क्रिस्प आपको थोड़ा सा कम लगेगा। एंड उसके बाद मैं बात करूँ सस्पेंशन के परफॉर्मेंस की, तो इसकी सस्पेंशन नो डाउट काफ़ी बढ़िया काम करती है। आपको इसकी सस्पेंशन थोड़ी सॉफ्टर साइड में मिलेगी, जो नॉर्मल खड्डे वगैरह होते हैं उसमें कार अच्छा परफॉर्म करती है,
आपको सीट तक जर्क आपको बहुत ना के बराबर ही फील होता है, तो सस्पेंशन अपना काम सही करती है। अनलेस अगर आप एकदम ही हाई स्पीड में और बहुत ज़्यादा डीप गड्ढे में से ना ले जाओ, तो उस केस में थोड़ी बहुत आवाज़ आपको सस्पेंशन की आएगी और थोड़ा बहुत फील होगा, वो भी कार में फील होगा, आपकी सीट तक नहीं आएगा। तो मतलब ये फील होगा कि कार एक गड्ढे में से गई है। एंड अगली मैं बात करता हूँ इसकी ब्रेकिंग परफॉर्मेंस की, तो इसकी ब्रेक काफ़ी इम्प्रेसिव लगी मुझे। आपको सारे व्हील्स में डिस्क ब्रेक मिलती है एक तो, एंड आप कितनी भी हाई स्पीड पे, मैं आपको दिखाता हूँ अभी, मैं इसको थोड़ा 100 तक लेके जाऊँगा एंड उसके बाद आपको ब्रेकिंग दिखाऊंगा इसकी। कार मेरी 100 पे पहुंच गई, अब मैं ब्रेक लगाता हूँ। सी, ब्रेकिंग में कोई इशू मुझे नजर नहीं आया, काफी अच्छा परफॉर्म करती है। तो अब बात कर लेते हैं हमारे रिव्यू के नेक्स्ट सेगमेंट की, दैट इज नॉइज एंड वाइब्रेशन। पहली चीज, बाहर की आवाज आपको नहीं आएगी इसमें, कोई आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगी बहुत ज्यादा, बहुत ना के बराबर आपको बाहर की नॉइज आएगी। एंड इंजन की आवाज़ भी आपको इतनी नहीं आएगी अगर आप आराम से कार चला रहे हो, अनलेस अगर आप हार्ड एक्सेलरेशन करते हो कुछ इस तरीके से, तो वो इंजन की आवाज़ आपको अंदर आती है, ठीक है। एंड बट वो ज़्यादा आपको ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं आती, बट आती है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि बिल्कुल नहीं आती। फिट एंड फिनिश की बात करूँ कि कहीं से आवाज़ तो नहीं आ रही डोर पैनल्स वगैरह में, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कार में बहुत अलग अलग जगहों से टेस्ट किया, गड्ढों में से भी ले गया, बट कहीं से भी इंटीरियर में से कहीं कोई आवाज़, किसी भी पार्ट में से कोई आवाज़ नहीं है। फिट एंड फिनिश काफ़ी अच्छी है इस कार की। एंड अब मैं बात कर लेता हूँ हमारे रिव्यू के नेक्स्ट सेगमेंट की, दैट इज़ कम्फर्ट एंड कन्वीनियंस। सो कम्फर्ट में मैं बात करूँ, सबसे पहले जो इसका सिटिंग कम्फर्ट है वो आपको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं देने वाला, काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स है। लॉन्ग ड्राइव में भी कोई आपको ऐसी थकान वगैरह फील नहीं होगी इसमें। उसके बाद कंफर्ट में मैं रीचेबिलिटी की बात करूं, तो रीचेबिलिटी में भी ऐसा कोई मेजर इशू नहीं है, सारी चीज़ें आपकी रीच में है यहाँ पे, चाहे वो या ORVMs की कंट्रोल हो या फिर ये जो इंडिकेटर या वाइपर कंट्रोल्स होते हैं। स्टेयरिंग से कोई ज़्यादा गैप नहीं है, तो आप आराम से ड्राइव करते हुए आराम से इसे यूज़ कर सकते हैं। एंड उसके बाद जो बाकी स्विचेस वगैरह भी, वो ऐसा कोई इशू नज़र नहीं आया रीचेबिलिटी को लेके। मैं विजिबिलिटी की बात करूँ तो वो भी काफ़ी अच्छी, आपको बोनट की आउटलाइन पूरी नज़र आती है, बहुत अच्छा व्यू आता है, कार काफ़ी ऊंची है तो विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है, साइड ORVM से भी, रियर ORVM से भी, ऐसा कोई ज़्यादा ब्लाइंड स्पॉट आपको मैं बोलूँ मुझे फील नहीं हुआ। अब मैं बात करता हूँ कन्वीनियंस की, तो कन्वीनियंस में आते हैं कि आपके इसमें कन्वीनियंस के लिए क्या क्या दे रखा है कि जो आपके ड्राइविंग करते टाइम आपको हेल्प करता है, असिस्ट करता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो आपको सब मिलेंगी, क्रूज कंट्रोल मिलेगा आपको, ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर्स मिलेंगे, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स मिलेंगे, ठीक है, वो सब तो आपको मिलता ही है। ड्राइव करते हुए कन्वीनियंस में जैसे MG इंटरनेट कनेक्टेड कार है, आपको इसमें एक पर्सनल असिस्टेंट टाइप सा मिलता है, आप ड्राइव करते हुए कुछ भी बोलोगे आपका सब काम ऑलमोस्ट हो जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। हेलो MG, हाय, हाउ कैन आई हेल्प? आई एम फीलिंग हॉट। ओके, टेम्परेचर इज लो अप टू 21.5 डिग्री। सी, इसने टेम्परेचर ऑटोमेटिकली टेम्परेचर कार ने कम कर दिया। हेलो MG, AC का टेम्परेचर 21 डिग्री पे सेट कर दो। टेम्परेचर इज सेट टू 21 डिग्री सेल्सियस। सो जरूरी नहीं आपको इंग्लिश में बोलना, आप कंफर्टेबली अपनी हिंदी प्लस इंग्लिश में भी बोल सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें इसमें जो आप आराम से ड्राइव करते हुए कर सकते हैं, ये बहुत ज़बरदस्त कन्वीनियंस आपको प्रोवाइड करती है, ट्रस्ट मी। बट हाँ, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो इसमें थोड़ी और बेटर होती तो आपकी कन्वीनियंस थोड़ी और बढ़ जाती, मैं आपको वो बताता हूँ। जो इसका क्रूज़ कंट्रोल है, आप क्रूज़ कंट्रोल सेट जब करोगे ना, यहाँ से आप क्रूज़ कंट्रोल का बटन दबाओगे और ये इसका जो ये जो बटन है इसको सेट पे ले जाओगे, तो जिस स्पीड में आप उस टाइम कार चला रहे होगे उस स्पीड पे ही सेट हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। बट अगर अब आपको स्पीड बढ़ानी है तो आप इसे प्लस करोगे, वहाँ पे कोई कहीं भी आपको ना लिखा हुआ नहीं आएगा कि आप
कितनी स्पीड पे सेट कर रहे हो या जो जैसे यूजुअली कार्स में आता है। इसमें बाय डिफॉल्ट जब जब आप प्लस का साइन दबाओगे तो वो 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वो बढ़ाती जाएगी कार, ठीक है। सेपरेटली कुछ और दिखेगा नहीं आपको, तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कन्वीनियंस, कई बार कन्फ्यूजन हो सकती है इससे। तो ये सब था कम्फर्ट एंड कन्वीनियंस को लेके, आपकी कम्फर्ट एंड कन्वीनियंस को लेके सब कुछ है इसमें। जो चीज़ें मुझे लगी थोड़ी और इम्प्रूव हो सकती थी मैंने आपको बताई। अब बात कर लेते हैं हमारे रिव्यू के नेक्स्ट सेगमेंट की, दैट इज़ फ्यूल इकोनॉमी। आपको सिटी ड्राइविंग में ट्रैफिक कंडीशन वगैरह में 11 से 13 के बीच में माइलेज निकाल के दे देगी, एंड मे बी थोड़ी उससे और बेटर निकाल पाए अगर आप, वो आप पे डिपेंड करता है आपके ड्राइविंग कंडीशंस पे और ड्राइविंग मेथड पे कि किस तरीके से आप कार चला रहे हो, और हाईवेज पे थोड़ी और ज़्यादा इम्प्रूव्ड माइलेज आपको ये निकाल के दे देगी। अब चलते हैं हमारे लास्ट कंक्लूजन की तरफ, सो हेयर इट गोज। अगर आप एक इस लेवल की सेगमेंट की कार लेना चाह रहे हैं एंड आप अपनी कार से एक नॉर्मल फीचर्स या एक जो बेसिक फीचर्स उससे थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं एंड थोड़ा प्रीमियमनेस, एक प्रीमियम फील चाहे वो एक्सटीरियर में हो या इंटीरियर्स में हो, उसमें थोड़ा और ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, तो आप ज़रूर MG Hector के साथ जा सकते हैं। आपकी एक्सपेक्टेशंस को ये बिल्कुल लेट डाउन नहीं करेगी, क्योंकि एक्सटीरियर्स में और इंटीरियर्स में दोनों में ये काफ़ी प्रीमियम है, एंड फीचर्स एंड स्मार्ट फीचर्स जो स्पेशली इसमें दिए गए हैं जो आपके ड्राइविंग एक्सपीरियंस को या कार की यूजिबिलिटी को थोड़ा ईजी बना देते हैं, तो वो आई थिंक अगर आप इस टाइप की कुछ कार ढूंढ रहे हैं तो आप ज़रूर MG Hector के साथ जा सकते हैं। स्पेशली जो इसका ये CVT वेरिएंट है ऑटोमेटिक, इट वर्क्स रियली गुड। आपको कोई कंप्लेंट इसके गियर बॉक्स वगैरह से, परफॉर्मेंस से नहीं मिलेगी, वो मैं ऑलरेडी सब दिखा चुका हूँ आपको, ठीक है।